अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग कैट लवर्स को बहुत पसंद आएगा। बच्चे इस बार वीकेंड पे कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे, तो हम उन्हें फ्लफी मेनिया ले गए, जो कि मस्कत का सबसे पहला कैट कैफे है। बच्चों की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी मस्कत में, क्योंकि पेट्स रखना अक्सर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो अगर आपके बच्चों को पेट्स पसंद हैं और आप मस्कत में हैं, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि आप इस जगह को विज़िट करें। यहाँ पर ऑलमोस्ट 19 कैट्स थी, जिनको आप पेट भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं। बच्चों ने तो जाते ही बिल्लियों पर हमला कर दिया, वो भी सोचती होंगी ये कहाँ से आ गए। यहाँ का स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था, वो प्रॉपरली बच्चों को गाइड कर रहे थे। मुझे क्योंकि कैट से बहुत डर लगता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आई थी वीडियोस बनाने के लिए, उसके बाद मैं बाहर चली गई थी। और मेरे हस्बैंड को ये डर लग रहा था कि कहीं कोई कैट किसी बच्चे को बाइट ना कर ले। Yes, orange. ये वाली कैट मेरी फेवरेट थी, इसकी आईज़ के दो कलर्स थे और ये बहुत क्यूट थी। यहाँ के स्टाफ ने क्लीनलीनेस का भी बहुत ख्याल रखा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर 19 कैट्स हैं, कोई स्मेल वगैरह फील नहीं हो रही थी। आर यू हैप्पी नाउ? यस। रियली? डिड यू लाइक द कैट्स? यस। बच्चे क्योंकि अपना अंदर एंजॉय कर रहे थे और उन्हें हमारी कोई होश नहीं थी, तो हमने सोचा अच्छा मौका है, कॉफ़ी एंजॉय कर ली जाए। तो ये स्टाफ मेंबर ने हमें बड़ी ज़बरदस्ती कॉफ़ी बना के दी। अजान का बस नहीं चल रहा था कि एक बिल्ली को उठा के ही हमारे साथ घर ले जाए। अजान बारी बारी सब कैट्स को एंटरटेन कर रहा था, पर जुहेब और ज़ियान तो अलग ही किसी मिशन पर निकले हुए थे। बस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 1 आवर हो गया था, तो फिर हमने बच्चों को कहा कि चलो अब रेडी हो घर चलने के लिए, क्योंकि इनकी टेनिस क्लास भी थी। और एज यूजुअल जाते हुए ज़ियान का रोना धोना स्टार्ट हो गया। ओके, सो आवर एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस, आई एंजॉयड विद द कैट्स एंड आई लव द कैट्स सो मच। आई विश आई कुड अडॉप्ट वन, बट आई डोंट थिंक वी कैन रियली, वी आर नॉट द पीपल फॉर कैट्स। सो या, इट्स इज वेरी नाइस। एंड सो हे गॉट हर्ट लाइक ऑन द लेग बिकॉज़ ऑफ अ कैट क्लॉ। वेल या, दैट्स इट। इट इज बबल्स बिकॉज़ ऑफ he's cute and candy. My least favorite one is Scratch, because he scratched at me like here. That's sad. So it doesn't hurt. ये एक दिन पहले की वीडियो है, हम MGM आए थे बच्चों के शूज़ लेने के लिए। अजान और जे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी हम इनके लिए लें वो इनकी पसंद से हो। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों जो भी शूज़ पसंद कर रहे थे उसमें इनका साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। खैर, बहुत सारे शूज़ ट्राई करने के बाद जुहेब को एक फ़ाइनली पसंद आ गया, और ये वो पहन कर पूरे एरिया में भाग रहा था चेक करने के लिए कि इसको ठीक हैं कि नहीं। मीनवाइल अजान अपने लिए पसंद कर रहा था। अजान अपने लिए कोई स्ट्रैप वाला शूज़ देखना चाह रहा था, बट उसको उसके साइज़ में मिला ही नहीं। तो फिर हमने अजान को कहा कि अब आप बड़े हो रहे हो, तो प्लीज़ लेसेस वाले शूज़ ले लो। तो फाइनली उसने हमारी बात सुन ली और उसने एक शू पसंद कर लिया। ज़ियान शॉपिंग में साथ साथ अपनी रिकमेंडेशंस भी दे रहा था अपने भाइयों को। You don't like it?
This one good. Put the straw. It's good? Yeah. Yeah, do you like it? It does fit. Yeah. हम क्योंकि डिनर करके आए हुए थे तो यहाँ से फ्री होने के बाद हम माउंटेन साइड पर चले गए। हमने सोचा थोड़ी स्टार गेजिंग ही कर लें। बच्चों के लिए स्क्रीन ब्रेक बहुत ज़रूरी है तो हम ट्राई करते हैं कि वीकली एक कोई एक्टिविटी ऐसी रखी जाए जहाँ ये नेचर को ज़्यादा एंजॉय करें। चलिए जी, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको मज़ा आया हो देख के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah, me too. No, there's one. Yeah, that one. Mom, it doesn't even hurt. Okay.